विदिशा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से सीधे हेलीकॉप्टर से विदिशा पहुंचे। यहां वह अपनी तीनों दत्तक बेटियों का कन्यादान करेंगे। इसको लेकर बाढ़ वाले गणेश मंदिर सहित नजदीकी एक शादी हॉल में पूरी तैयारी कर ली गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी तीनों दत्तक बेटियों के लिए गैस चूल्हे से लेकर गृहस्थी में आने वाले सभी सामान से जो दिया जाता है वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अलमारी गोदरेज के फ्रिज से लेकर कूलर पंखे सोफा अलमारी गिफ्ट आइटम बर्तन सभी चीजों उनकी धनपत्नी साधना सिंह पहले से विदिशा के मार्केट से खरीद चुकी है। मुख्यमंत्री सबसे पहले विदिशा के सम्राट अशोक टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग कॉलेज में भाजपा कार्यकर्ताओं से मिलकर सबसे पहले उन्हें संवाद किया। कोरोना गाइडलाइन को लेकर बाढ़ वाले गणेश मंदिर में आमजन का आना जाना प्रतिबंधित रहेगा, लेकिन शादी हाउस में सीमित दायरे में लोगों की मौजूदगी में ही वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न होगा। आज तीन बेटियों को विदा करने का क्षण है। एक तरफ मन आनंद और प्रसन्नता से भरा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ बचपन से आज तक 22-23 साल सांस रही वो बेटियां अब विदा हो रही है, तो मन में तकलीफ और पीड़ा स्वाभाविक है। 22-23 साल ये बेटियां साथ रहीं और साधना ने उनका पालन पोषण माँ के रूप में किया। उनकी आवश्यकताएं पूरी हो, उनकी सुरक्षा, उनकी चिंता, उनकी व्यवस्थाएं सब की। अब जब ऐसी बेटियां मायका छोड़ के ससुराल जाती है तो मायकों वालों को तो पीड़ा होती है। विदिशा से सुनो नामदेव की रिपोर्ट।